और जो आपके प्रोग्राम में आए हैं राइज इन जम्मू कश्मीर, इसका नाम है, 3 दिन का ये प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग लगभग 45 डिपार्टमेंट लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसके अंदर इसरो है, डीआरडीओ है, आईसीएमआर है, आईसीएआर है, ऐसे डिपार्टमेंट है जो बैकफुट में काम कर रहे हैं, लेकिन यूथ को इनके बारे में नहीं नॉलेज है कि वो अपने आप को इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो हमने तकरीबन 60 कॉलेजेस और 30 स्कूल लेके आए हैं युवाओं को और उनको यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को इसमें एनरोल कर सकते हैं, कैसे नॉलेज ले सकते हैं। डीआरडीओ जैसा डिपार्टमेंट आया है जो कि बॉर्डर पे काम करता है, लेकिन हमें नहीं पता वो काम क्या कर रहे हैं, तो हम इसलिए उनको साइंटिस्ट को लेके आए कि वो बच्चों को बताएं। और यही हमारा मोटिव है, हम आगे करते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम। आप सबका सपोर्ट चाहिए इसके अंदर और आप लोग हमें साथ देंगे तो हम लोग और अच्छे प्रोग्राम कर पाएंगे। ये फायदे के लिए नहीं होते हैं, कुछ लोग अंडर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कुछ ऐसे तबके होते हैं हर स्टेट में, देश में, जैसे देश में भी नॉमिनेट होते हैं, तो पहले भी हमारी दो हमारी बहनें नॉमिनेट होती थी, तो जो अंडर रिप्रेजेंटेशन आते हैं, जो तबके अपने एमएलए को नहीं चुन के भेज सकते हैं असेंबली में, उनके लिए ये प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा रहते हैं। जो साइंस प्रोजेक्ट्स है जैसे यहाँ पर इसरो, डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखने को मिलते हैं, तो क्या जम्मू यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजेस में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह के डिपार्टमेंट्स चालू होंगे? देखिए, जब बच्चों को मालूम होगा, जब आप लोगों के माध्यम से ये चीज आम हो जाएगी कि ये लॉजिस्टिक है, स्पेस में हम यहाँ हैं, डिफेंस में हम यहाँ हैं, आईटी में हम यहाँ हैं, एग्रीकल्चर में हम कम से कम पानी से और कैसे फसलें, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हमारा कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बन जाए, आईटी बन जाए, डिफेंस बन जाए या पावर बन जाए, और ये बच्चों के ब्रेन में यंग बर्ड्स जो होते हैं, ताकि अपनी ये लाइन को, अपने टारगेट को ये बच्चे फिक्स करें और देश को आगे ले जाएं,